जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं चमार और जाटव में क्या अंतर है। कुछ लोग समझते हैं कि जाटव चमार जाति का नाम नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जाटव भारत का एक सामाजिक समूह है जिसे चमार जाति का एक भाग भी माना जाता है। यह आधुनिक भारत के संकरात्मक भेदभाव प्रणाली में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत की जाती है, जो सामुदायिक दलित में से एक मानी जाती है। यह जाति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों को अपनी प्रेरणा मानती है और सामाजिक समानताओं में विश्वास रखती है। बात हो अगर चमार जाति की तो संविधान बनने से पूर्व तक इनको अछूतों की श्रेणी में रखा जाता था। अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत में चमार जाति के साथ ऊंची नीची जाति का भेदभाव रखा जाता था और ऊंची जाति के लोग चमार जाति के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार तथा जुल्म किए गए। आज़ादी के बाद इनके ऊपर हो रहे जुल्मों व यतनाओं को रोकने के लिए इनको भारत के संविधान में बाबा साहब अंत के द्वारा अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया। अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा समूह बनाया गया था, जैसे जाटव, हरिजन, चमार, महार और आदि जैसी जातियां इस समूह में रखी गई थी। सभी तरह के जुल्मों व यतनाओं को प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके बावजूद भी भारत देश में कुछ जगहों पर इन जातियों तथा अन्य अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव आज भी किया जाता है। तो दोस्तों आपको चमार और जाटव में अंतर जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।